ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने टूर पैकेज कंपनी में मेंबरशिप के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ठगी में उपयोग किया जाने वाला सामान, 1 लाख नकदी और 1 कार जब्त की है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम क्लब महिंद्रा से हमने नया स्टार्टअप किया है, कोई नए पैकेजेस लीजिए, आप अपने गिफ्ट दीजिए इस तरह से। फिर वहाँ पर होटल शेल्टर पे इन्होंने सब लोगों को, गेस्ट को बुलाया था, बहुत सारे गेस्ट थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का सारी बताया कि आपको 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5, जो भी इनका पैकेज था, तो उन्होंने पैकेजेस दिए। तो इस तरह से इन्होंने पैकेजेस दिए हैं आके अपने ग्वालियर में जो भी लोग, 2 डेज इस तरह से आपका जो प्लान होता है वो आपका निकलेगा। तो स्केचिंग कार्ड्स भी निकले, कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी निकले हैं, एक स्विफ्ट कार मिली है, तो इन पर रसूदा लिया जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। इसमें अन्य आरोपी भी हैं, 5 आरोपी जो कि अभी फरार हैं, जो कि वही मुंबई के ही हैं, जो क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उन पर काम कर रही है। अभी ये एक फरियादी से उन्होंने 60,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी, अन्य 4 फरियादियों के द्वारा भी अभी क्राइम ब्रांच में संपर्क किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जब ये मीडिया में जाएगा तो हो सकता है और भी लोग जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हों वो भी क्राइम, वो भी पुलिस से संपर्क कर